राधे राधे। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के प्रेम रस सिद्धांत के अनुसार मैं आपको चौथी भक्ति की शर्त बता रहा हूँ कि भक्ति मन से ही होनी चाहिए। अगर इंद्रियां साथ में हैं तो अच्छा है, लेकिन मन होना ज़रूरत है, परम आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कि मन का लगाव, भगवान में मन का लगाव वो प्राण है, और बाकी शरीर और इंद्रियों से जो हम उपासना और भक्ति करते हैं वो सब शरीर है। तो प्राण रहित शरीर का कोई मूल्य नहीं, उसको जलाया जाता है। लेकिन जब प्राण है, जब आत्मा है शरीर में, तब उसकी वैल्यू है। तो अगर हम भक्ति मन रहित करेंगे उसका कोई वैल्यू नहीं है, हमारा मन साफ ही नहीं होगा। तो मन कैसे लगाएं भगवान में? भगवान शुद्ध वस्तु हैं। भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, जन, ये छह चीज़ें सब एक हैं, और अगर हम वो मन में लाते हैं तो उससे मन शुद्ध हो जाएगा। अगर मन संसार में घूम रहा है तो मन और अशुद्ध हो रहा है। विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। भागवत श्री कृष्ण कहते हैं कि बार बार चिंतन करो संसारी विषयों का, तो मन और लग जाएगा संसार में, मन की आसक्ति और प्रगाढ़ हो जाएगी संसार में। और अगर वैसा ही चिंतन मेरे लिए करो, मेरे बारे में, मेरे नाम रूप लीला गुण धाम और जन के बारे में चिंतन करो, तो मुझ में मन लगेगा, मन धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा, और एक दिन पूर्ण शुद्ध हो जाएगा और एकत्व हो जाएगा मुझसे। तो ये उपाय है कि हम भगवान का स्मरण करें, उसी से मन की शुद्धि होती है। तो अगर हम ऐसा स्मरण कर रहे हैं तो भक्ति ठीक हो रही है, और अगर हम स्मरण नहीं कर रहे हैं और शरीर और इंद्रियों से कर रहे हैं, वो असली भक्ति नहीं है। क्योंकि अगर मन भगवान में नहीं है तो संसार में ही होगा। आगे एक और सिद्धांत बताऊंगा कि ऐसे चिंतन करने से आसक्ति कैसे बन जाती है। जय श्री राधे।